IOC का सेशन जब मुंबई में हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत गंभीरता के साथ भारत का पक्ष रखा और कहा कि भारत तैयार है 2030 के यूथ ओलंपिक्स और 2036 के समर ओलंपिक्स के आयोजन के लिए। और कल हमारी जो फ्यूचर होस्ट कमीशन की बैठक फ्यूचर होस्ट कमीशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ हुई, उसमें हमने रखा कि क्यों भारत में होना चाहिए, जहां लगभग 140 करोड़ की आबादी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, 1 बिलियन से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र है, 1 बिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं, और जहां दुनिया की सबसे युवा आबादी है और जो दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 4 वर्षों में हो जाएगी, तो हमारा हक भी बनता है कि दुनिया का अगर 6वां हिस्सा आबादी का भारत में है और सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पर है, तो उसने अभी तक ओलंपिक्स का आयोजन नहीं किया, हमें इसका अवसर मिले। हमने गंभीरता के साथ अपनी बात रखी है, मुझे पूर्ण विश्वास है जब ये समय बिडिंग का आएगा, भारत इसमें कई और पहलू जोड़ेगा। हजारों वर्षों पर पुरानी हमारी परंपराओं से लेकर खेल के इतिहास से लेकर भारत की इच्छा स्पोर्टिंग सुपर हाउस बनने की, सुपर पावर बनने की, उस दिशा में हमने देश में बहुत सारे कदम उठाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत भविष्य में उसमें सफल। जब देश में G20 समिट आए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखा, भारत की कला संस्कृति परंपराओं को दिखाने के लिए देश के 60 ऐसे शहरों के 200 स्थानों पर उसका आयोजन किया गया और भारत की हजारों वर्ष का इतिहास दिखाने का काम भी किया, न्यू टेक्नोलॉजी को दिखाने का काम भी किया, और इसके साथ साथ G20 की डेक्लरेशन भी हुई, न्यू दिल्ली डेक्लरेशन, फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी हुआ, इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी फाइनलाइजेशन हुआ, तो भारत ने हर उस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का काम किया है, छाप छोड़ने का काम किया है। ओलंपिक्स को लेकर भी हम रणनीति तय करेंगे, हमें कैसे इसमें आगे बढ़ना है, आने वाले कुछ महीनों में उसको तय करने वाले, अभी उसमें समय